हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मार्केटिंग रिसर्च का पार्ट 3 इसमें कवर करवाऊंगी इस वीडियो के अंदर। इससे पहले दो पार्ट हम कर चुके हैं। मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, मार्केटिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना मार्केटिंग रिसर्च में इंक्लूड होता है। तो मार्केटिंग रिसर्च के क्या क्या टाइप्स हैं और किस किस तरह से हम कर सकते हैं, मैं आपको इसकी लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ इसकी जो टेक्निक्स हैं। आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, दैट इज़ एक्सटर्नल मार्केटिंग रिसर्च। एक्सटर्नल मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो एक्सटर्नल मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली क्या है, अगर हम खुद ही रिसर्च का काम करते हैं तो वो इंटरनल मार्केटिंग रिसर्च में आता है, लेकिन अगर वही सारा काम हम किसी एक्सटर्नल एजेंसी को हायर करके करवाते हैं तो वो एक्सटर्नल रिसर्च का पार्ट है। तो एक्सटर्नल रिसर्च में क्या होगा कि हम खुद कोई ऐसा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, रादर हम बाहर की एजेंसीज की हेल्प ले रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल रिसर्च का पार्ट है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि वो अपने पास कोई एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश ना करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो बाहर से एजेंसीज को हायर कर सकती हैं और उनकी हेल्प से वो रिसर्च का काम कर सकती हैं। तो एक्सटर्नल रिसर्च बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल रिसर्च बीइंग क्रिएटिव इज़ ए कॉन्टीन्यूअस एक्टिविटी है, लगातार चलती रहती है, तो हम इसको एक मेजर एक्टिविटी कह सकते हैं। वो या तो एक अलग से हमने मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश कर लिया, या तो वो करेगी, और वो किस केस में होता है, जहाँ पर कंपनी फिनांशली स्ट्रोंग है, या क्या हो सकता है कि हम बाहर की ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले सके, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को हम हायर कर सकते हैं और ये अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं और बहुत वैल्यूएबल सर्विसेज होती हैं। मतलब ये एजेंसीज में एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपना स्पेसिफिक रिसर्च करते हैं इंडिविजुअल कंसर्न के लिए, और वो हमें अपनी सर्विसेज दे सकते हैं या वो सिंडिकेट डाटा सर्विसेज भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब उनके पास रेडली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और वो हमें वो सर्विसेज दे सकते हैं। तो इस तरह की एजेंसीज को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो आता है सिंडिकेटेड रिसर्च सर्विस एजेंसीज, रिसर्च फैसिलिटी एजेंसीज, और लास्ट होता है कस्टम रिसर्च एजेंसीज। तो तीन तरह की एजेंसीज हैं जिसमें सबसे पहला है सिंडिकेटेड रिसर्च सर्विस एजेंसीज। इन एजेंसीज को हम पैकेज डील सर्विसेज भी हमें देती हैं ये। मतलब इनका क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लाइन में ये डील करती है, जैसे कुछ एजेंसीज जो है वो सिर्फ कॉम्पिटिटर के रिगार्डिंग हमें बताती हैं, कुछ एजेंसीज हैं कि प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उनके बारे में हमें अपनी रिसर्च दे सकती है जो कस्टमर चाहता है, ठीक है, और कुछ डेमोग्राफिकल बेस पर हमें दे सकती हैं। तो ये एजेंसीज अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है और ये इन्फॉर्मेशन रेडली अवेलेबल होती है, सेकेंडरी फॉर्म में होती हैं, और इनका जो बेनिफिट होता है वो फॉर्म को हो सकता है जो क्लाइंट फॉर्म है तो इस तरह की एजेंसीज की हेल्प ले सकती हैं। इसके बाद जो सेकेंड एजेंसी आती है वो है रिसर्च फैसिलिटी एजेंसीज। तो ये फर्म क्या करती है, ये एक रिसर्च प्रॉब्लम जब इनको दे दी जाती हैं, उनको डिफाइन कर दिया जाता है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, तो उनके वो क्वेश्चन उनके वो आंसर फाइंड आउट कर सकती हैं इन सर्विसेज के अलग अलग जो रिसर्च एरिया में हैं। तो ये रिसर्च फैसिलिटी एजेंसीज हमें अपनी सर्विसेज देती हैं, मतलब इनको क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, इनको प्रॉब्लम दे दी जाती हैं और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ही हमें देती हैं। थर्ड जो लास्ट टाइप की एजेंसी है वो है कस्टम रिसर्च एजेंसीज। तो ये एजेंसीज क्या करती है, जनरल रिसर्च में इन्वॉल्व होती है कि नॉर्मली जो हमारी नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनकी ये सॉल्यूशंस देती हैं, उनको कंसल्ट करती है, ठीक है, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है। तो ये नॉर्मली ये जनरल नेचर की होती हैं कि जो स्पेशलाइज कंसल्टेंट हैं उनसे ज़्यादा ये जनरल नॉर्मल प्रॉब्लम्स को ये सॉर्ट आउट करने के अपने जो है वो दे सकती हैं, अपने रिव्यूज़ दे सकती हैं, अपने आइडियाज़ दे सकती हैं। अच्छा, अगर हम एक्सटर्नल रिसर्च एजेंसीज को हायर करते हैं तो उनका हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, इसको फोर पार्ट में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट जो बेनिफिट होगा वो है इकोनमी। इकोनमी, अगर हम इन एजेंसीज को हायर करते हैं तो हमें अपने पास कोई भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट रखते हैं, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट रखते हैं, तो उसमें हमें वर्कर को भी हायर करना पड़ेगा, मैनेजर को हायर करना पड़ेगा, देन इसके अलावा उसको मेंटेन करने की कॉस्ट को भी हमें सफ़र करना होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो अगर हम यही सारा काम जो है वो बाहर की एजेंसीज की हेल्प ले सकते हैं ये सारे काम करने के लिए, तो हमारे लिए वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। सेकंड है एक्सपर्टाइज।
अगर हम अपने पास एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं तो हमें एक्सपर्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा, हमें प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो करना फीजेबल नहीं होता है। तो एजेंसीज में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, स्किल्ड रिसर्चर होते हैं, तो उनको वो उनकी जो हमें सर्विसेज वो देते हैं वो क्वालिटेटिव सर्विसेज होती हैं, एफिशिएंट सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करते हैं, इफ़ेक्टिवनेस उनके अंदर होती हैं, इलास्टिसिटी। ये जो एजेंसीज होती हैं तो हम जब इनकी सर्विसेज को हायर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी सारी सर्विसेज को हमें हायर करना पड़ेगा, तो जो हमें ज़रूरत है, जो हमारी नीड है, तो उनके अकॉर्डिंगली हम उनकी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एफिकेसी। ये एजेंसीज इंडिपेंडेंटली काम करती हैं तो इसके अंदर जो सब्जेक्टिवनेस है वो नहीं होती है। इनका जो भी इनका पूरा रिसर्च का काम होता है वो ऑब्जेक्टिव वे से होता है, इंडिपेंडेंटली होता है, अनबायस्ड होता है, कोई पर्सनल जजमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो क्या करेंगे, वो एक एक्यूरेट ऑथेंटिक डाटा हमें अवेलेबल करवाते हैं। तो ये मेरिट्स होते हैं एक्सटर्नल रिसर्च सर्विसेज को लेने के। लेकिन जहाँ पर इन सर्विसेज को लेने के मेरिट्स हैं वहाँ पर कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो वो क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, सबसे पहला है प्रोहिबिटिव कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट को तो हमें बियर करना ही पड़ेगा। वैसे तो हमने बात की कि इन सर्विसेज को लेना हमारे लिए यूजुअली इकोनॉमिकल होता है, जनरली इकोनॉमिकल है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। जो स्मॉल और मीडियम फर्म्स होती हैं वो इन एक्सटर्नल सर्विसेज की सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। कई बार उनको अपने खुद के अरेंजमेंट करने होते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। पुअर क्वालिटी रिसर्च जो एक क्लाइंट फर्म को चाहिए होती है वो कई बार तो एजेंसीज अगर वो हमें देते कई बार तो रेलिवेंट हो सकती हैं। ठीक है, अगर उनको हमारे इन्स हमारे आउट्स के बारे में सब कुछ पता होगा फिर तो वो डाटा हमें रेलिवेंट दे सकती हैं। लेकिन कई बार जब एक नई कंपनी एस्टैब्लिश होती है, नई कंपनी की अगर हम बात करें तो उस केस में जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च होती है ना वो कंपैरेटिवली वो उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एजेंसी कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा वो उस क्लाइंट एजेंसी के बारे में सोच रही है, उनके बारे में समझ रही है। तो कई बार वो अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज हमें प्रोवाइड नहीं करती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ सीक्रेसी, अगर आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी को रिसर्च के लिए अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको उनको अपने बारे में सब कुछ बताना होगा, अपने टॉप सीक्रेट उनके सामने डिस्क्लोज करने होंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि एक कंपनी के लिए उनके सीक्रेट्स ही तो होते हैं जिनकी वजह से वो सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाती हैं मार्केट के अंदर। तो कोई भी कंपनी क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि अपने सीक्रेट्स को वो डिस्क्लोज करे। अगर वैसा करती है तो उनकी पॉलिसीज उनके स्ट्रेटजीज के बारे में सबको पता चल जाता है। ठीक है, तो इसमें तो होगा कि हमें वो करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है किसी भी कंपनी के लिए। प्रॉब्लम ऑफ डिसकॉन्टिन्यूएशन, अगर आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर आप उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि आप किसी भी और दूसरी कंपनी में स्विच ओवर नहीं करना चाहते। इन केस अगर आपको किसी और कंपनी में स्विच ओवर करना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, वहाँ पर एडजस्टमेंट्स की दिक्कत आती हैं। जैसे आपका एक अगर फैमिली डॉक्टर है तो आप हमेशा उसी से मेडिसिन लेते हैं, अगर वो किसी दिन अवेलेबल नहीं है तो आपको भी लगता है कि पता नहीं किसी और डॉक्टर की जो मेडिसिन है वो आपको सूट करेगी या नहीं करेगी। तो ये सारी जो कुछ बातें हमारे दिमाग में घूमती हैं और हम कई बार वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो ये भी रिस्की होता है कि अगर एजेंसी जो है वो डिसकॉन्टिन्यूड हो जाती है, उसका वाइंड अप हो जाता है, तो एक नई एजेंसी को ऑप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ये भी रिस्की है। इसके बाद जब हम किसी आउटसाइड एजेंसी को हायर करना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या चीज़ें हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें देखने होते हैं। ठीक है, क्या ऐसा क्राइटेरिया होगा जब आप किसी आउटसाइड एजेंसी को ऑप्ट कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कौन कौन सी बातें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहला था क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, कि आपको कितनी मतलब किस तरह की जो सर्विसेज हैं वो आपको दे रहे हैं, तो वो क्वालिटी आपको चेक करनी होगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, कि कॉस्ट क्या है। तो एक नॉर्मल फर्म जो होते हैं वो ज़्यादा कॉस्ट को बियर नहीं कर पाती है, तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना पड़ेगा। जो स्मॉल और मीडियम साइज़ की फर्म है तो वो उस तरह की सर्विसेज को हायर करना चाहेंगी जहाँ पर कॉस्ट जो है वो कम से कम हो, मिनिमम हो। ठीक है, अदरवाइज तो वो खुद ही इस तरह के काम को कर लेती हैं। तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज मतलब इकोनॉमिकल होना चाहिए। सेकेंड है रेंज ऑफ सर्विसेज,
कि क्या क्या सर्विसेज वो हमें दे रही हैं, क्या वो डाटा खुद ही कलेक्ट करती हैं, उनको वो अरेंज करती हैं, उनकी कोडिंग करती है, डीकोडिंग करती हैं, ठीक है, उनको डाटा को प्रोसेसिंग डाटा की उनके थ्रू होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, किस तरह की टेक्निक्स का यूज़ करती हैं, कौन से मेथड वो यूज़ करती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है किसी भी एजेंसी को हायर करने से पहले। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी। तो आप जब किसी एजेंसी को हायर कर रहे होते हो तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है, आपको अपने सीक्रेट आपको उसके सामने डिस्क्लोज़ करने होते हैं, तो वो डिस्क्लोज़र से पहले आप इस चीज़ से एक बार श्योर हो जाना चाहते हो कि अगर आप किसी को अपने सीक्रेट्स बता रहे हो तो वो एजेंसी किसी और को वो सब डिस्क्लोज़ नहीं करेगी। तो रिलायबिलिटी जो होता है वो बहुत मैटर करता है यहाँ पर, कि एक फर्म अगर रिलायबल है तो हमें उसी को ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एजेंसी है वो रिलायबिलिटी के हमारे इस जो हमारा ये पैमाना है क्या उस पर वो खरे उतरती है या नहीं उतरती। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं जिनके बेस पर हम किसी एजेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मोटिवेशन रिसर्च। लास्ट जितनी भी रिसर्च की हमने बात की है तो वहाँ पर हम बाय हुक या बाय क्रुक हम कस्टमर की नीड उनके वॉन्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम उनको कुछ क्वेश्चनर भेज रहे हैं, हम उनको आंसर लिखने के लिए बोल रहे हैं, हम उनको आंसर देने के लिए बोल रहे हैं, हम उनको टेलीफोनिकली आंसर पूछ रहे हैं, हम उनसे ऑनलाइन उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे फीडबैक होते हैं जो हम उनसे जानना चाहते हैं। लेकिन उस केस में भी ये गारंटी नहीं होती है कि वो हमेशा सही आंसर हमें देगा। तो यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर आप किसी कस्टमर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको एक साइकोलॉजिकल, एक सोशोलॉजिकल, एक टेस्ट कंडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, और इसी रिसर्च को हम मोटिवेशन रिसर्च बोलते हैं। तो मोटिवेशन रिसर्च में क्या है कि अगर हम ये कहें कि कोई कस्टमर, कोई पर्टिकुलर कस्टमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करता है या नहीं करता, तो वो ऐसा क्यों नहीं करता, हम वाई का आंसर जानना चाहते हैं। लेकिन जो वाई का आंसर है वो आप ज़बरदस्ती नहीं, कि अगर आप ज़बरदस्ती ऐसा जानने की कोशिश करोगे तो वो आंसर गलत भी हो सकता है। तो आप कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनसे जो रिस्पोंडेंट है वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर आपके पास आ जाता है, ठीक है। आप उसकी साइकोलॉजी को चेक करने की कोशिश करते हो, उसके फीलिंग, उसकी एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, ठीक है, उन सारी चीज़ों को आप डिस्क्लोज करवाना चाहते हो, उनको उनके बाहर निकालना चाहते हो, जो उसकी हिडन फीलिंग है वो आप जानना चाहते हो, तो ये सब कुछ मोटिवेशन रिसर्च के थ्रू करना पॉसिबल होता है। तो मोटिवेशन रिसर्च बेसिकली क्या है, ये कंज्यूमर रिसर्च की ऐसी फॉर्म है जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हुई है। मोटिवेशन रिसर्च के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है कि हम साइकेटेरियल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे ताकि हम ये जान सकें कि लोग क्यों रिस्पोंड करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर एड को, और जो अलग अलग मार्केटिंग सिचुएशन है तो उनका ऐसा क्यों रिस्पोंड होता है, तो हम वाई का आंसर जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब करना मोटिवेशन रिसर्च के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। साइको एनालिसिस के अंदर हम लोगों के बारे में जब वो हमें सही से नहीं बता पाते हैं कि वो किसी प्रोडक्ट को लाइक या डिसलाइक करते हैं, जब वो इस चीज़ को रिलक्टेंट होते हैं, हमें बताने से वो इनकार कर देते हैं, तो इस इनएबिलिटी को हमें ओवरकम करना है, इससे हमें बाहर निकलना है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह का मोटिवेशनल रिसर्च होता है। जैसे अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, अगर एक नॉर्मल बॉय की हम बात करें, तो अगर हम उससे पूछें कि तेरे को किस तरह की वाइफ, किस तरह की मतलब गर्ल से आप मैरिज करना चाहोगे, तो वो हमेशा यही कहेगा कि वो अच्छी हाउसवाइफ होनी चाहिए, या वो सर्विस में होनी चाहिए, या फिर वो घर को संभालने वाली होनी चाहिए, मेरे पेरेंट्स की वो रिस्पेक्ट करने वाली होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें वो शो करता है कि वो ये चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ हर एक बॉय एक सुंदर, एक ब्यूटीफुल गर्ल से वो मैरिज करना चाहता है, तो उसकी वो हिडन फीलिंग तो होती है। तो वो चीज़ अगर हम उसको जानने की हम कोशिश जब करेंगे तो वो ही मोटिवेशन रिसर्च होता है। तो मोटिवेशन रिसर्च के थ्रू हम एक पर्सन की हिडन फीलिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मोटिवेशन रिसर्च की कैसे जा सकती है, तो इसके दो मेथड हैं। पहला जो मेथड है वो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, और सेकेंड आता है डेप्थ इंटरव्यू। अगर हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात करें तो इसमें हम क्लाइंट्स के प्रोजेक्शंस को हम चेक कर रहे हैं, उनका जो रिफ्लेक्शन है उसको हम चेक कर रहे हैं। मतलब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन
हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसके प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग लोगों का जो बिहेवियर है, अलग अलग लोगों के जो फीलिंग्स हैं, जो उनके ओपिनियंस हैं, वो अलग अलग होते हैं. तो उन्हें हमें फाइंड आउट करना होता है और वो प्रोजेक्शन टेक्निक के थ्रू करना पॉसिबल होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट मीडियाज़ हैं, एडवर्टीजमेंट है, पैकेज हैं, प्रोडक्ट हैं, डिज़ाइंस हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में रिस्पोंडेंट के रिएक्शंस को हमें देखना है, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करते हैं और वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स किससे करना पॉसिबल हो जाता है. सेकेंड जो टेक्निक है वो डेप्थ इंटरव्यू है. तो पहले हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात करते हैं. प्रोजेक्टिव जो टेक्निक्स हैं वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, इसके अंदर वो सारे टेस्ट आते हैं जिसके अंदर हम रिस्पोंडेंट से केस की पर्सनैलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं और उनके रिएक्शंस को, प्रोडक्ट मीडिया के रिगार्डिंग उनके क्या रिएक्शंस हैं तो उनको हम फाइंड आउट करते हैं. इसमें बेसिकली 5 तरह के टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं. सबसे पहला जो टेस्ट दैट इज़ थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है. सेकेंड सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है. फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है. पेयर पिक्चर टेस्ट हो सकता है. एंड थर्ड पर्सन टेस्ट हो सकता है. तो जो फर्स्ट टेस्ट है वो है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. यहाँ पे थीम से बना है ये थीमेटिक, कि आप एक थीम को लेके चल रहे हो. इस टेस्ट के अंदर जो रिस्पोंडेंट है उसके सामने एक पिक्चर प्रेजेंट कर दी जाती है, पिक्चर ऑफ सीन या सीन्स हो सकते हैं जिसमें लोग हैं, उनसे रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, गुड्स या सर्विसेज हो सकती हैं. तो ये अनस्ट्रक्चर्ड सा होता है, ठीक है, डाउटफुल सा होता है एक्शन में. और इसमें जो ओपनली न्यूट्रल सा ही लगता है, तो कोई एक्सप्रेशंस या कोई इमोशन नहीं होते हैं इसके अंदर. तो जो रिस्पोंडेंट होता है उसको बोला जाता है कि तुम इसके बारे में कुछ नरेट करो, कुछ इसके बारे में बताओ, ठीक है. तो जो पिक्चर है वो किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है. जैसे एक पर्सन, अगर कोई पर्सन कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसी पिक्चर हो सकती है जिसको वो नरेट करेगा रिस्पोंडेंट, तो वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को बताएगा, ठीक है, उसके बारे में बताएगा कि ये पर्सन ये कर रहा है, या ये ऐसा व्यू है, या ये ऐसा व्यू है, या उसको उसके अंदर क्या नज़र आ रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी से वो मैच करेगा, ठीक है. तो इसमें जो रिस्पोंडेंट होता है या तो उसको रीड करना होगा, उस पिक्चर को उसको देखना होगा, तो फिर उसको ये बताना होगा कि ये क्या है, किसके लिए है, क्यों है, तो वो सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करनी होती है. तो यहाँ से हमें उसकी फीलिंग का, उसके आइडियाज़ का पता चल जाता है. सेकेंड जो टेस्ट इसके अंदर कंडक्ट किया जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक में, वो आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट. सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होता है कि एक टेस्ट उसको दे दिया जाता है रिस्पोंडेंट को, उसके इमोशन को हम डिस्कवर करना चाहते हैं, तो उस सेंटेंस को उसे कंप्लीट करना होता है. तो ये बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट हम इसको कह सकते हैं और बहुत यूज़फुल सोर्स है ये. एक रिलायबल टेस्ट होता है. इसमें हमें इनडायरेक्ट वे से एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें रिस्पोंडेंट के रिगार्डिंग मिल जाती है. जैसे हम उनको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं कि आई लाइक इंस्टेंट कॉफ़ी बिकॉज के बाद फिलअप्स डाल दिया, तो उस फिलअप को उन्हें फिल करना होगा. आई यूज़ इलेक्ट्रिकल किचन गैजेट्स, आई यूज़ फुली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है, तो फिर वो फिलअप्स डाल दिया. आई डोंट यूज़ पेन किलर, तो वो रीज़न बता दिया. आई डोंट लाइक रेड ब्राउन ब्लैक कलर बिकॉज के बाद फिलअप्स बता दिया. तो रिस्पोंडेंट को वो क्वेश्चन के वो फिलअप्स को भरना होगा. तो फिलअप को भरने से वो क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या रीज़न है, ठीक है. उनको ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनसे पूछे जाते हैं, तो उनके वो आंसर हमें देते हैं. वो राइट या रॉन्ग कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनसे उनकी इमोशनल वैल्यूज़ का, उनकी टेंशंस का पता हमें चल जाता है. इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको वेट हम कहते हैं. तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट से सिमिलर सा ही है. दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम उनको एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं दे रहे हैं, रादर हम उनको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स देते हैं जिसमें 25 से 75 वर्ड हो सकते हैं. ये ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट टेस्ट हम इसको कह सकते हैं. इसमें रिस्पोंडेंट को फिर मैच करना होगा हर एक वर्ड को, ठीक है. और वर्ड में जैसे परफ्यूम है या हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल के सामने हमने मेंशन कर दिया, अलग अलग जो ब्रांड्स हैं उनके नेम हमने लिख दिए, ठीक है. शूज़ के सामने लिबर्टी है, बाटा है, ठीक है, वो सारे नेम हमने मेंशन कर दिया. देन पेंसिल्स के सामने हमने मेंशन कर दिया, तो उस ग्रुप में से उनको किसी एक को ऑप्ट करना होगा. तो वहाँ से हमें उनकी इंटरनल फीलिंग का पता चल जाएगा, उनकी चॉइसेस का हमें पता चल जाएगा. तो उनको मैच, सॉर्ट ऑफ मैचिंग है ये जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं.
नेक्स्ट आता है पेयर्ड पिक्चर टेस्ट, जैसे सही गलत का हम ढूंढते हैं ना कि ओल्ड वन फाइंड आउट करना होता है हमें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, अपीलिंग टेस्ट होता है, ये इजी है बहुत ज़्यादा। इसमें रिस्पोंडेंट को पिक्चर दी जाती है, पेयर ऑफ पिक्चर दिया जाता है, और वो जो दोनों पिक्चर्स होते हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, उनमें सिर्फ कोई एक ऐसा होगा कि वो सेम नहीं होगा, बाकी सारा आइडेंटिकल होता है। फिर हम ये जानना चाहते हैं कि रिस्पोंडेंट का उसके रिगार्डिंग क्या रिएक्शन होगा, रिस्पोंडेंट उस चीज़ के लिए क्या रिएक्शन करता है। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, जैसे हम दो पिक्चर उनको दे रहे हैं, एक में ब्रांड अलग है, एक में दूसरा ब्रांड है, तो वो दोनों पिक्चर्स में मतलब उन दोनों में वो अपने आप खुद से बता देगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे एक तरफ हम LG का रेफ्रिजरेटर की पिक्चर उसको दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसको सैमसंग की दे रहे हैं, तो दोनों का जो डिफरेंशिएट वो हमें बता सकता है। इससे ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि वो किस तरह की मतलब जो ब्रांड है उसको वो ज़्यादा प्रेफर करता है। लास्ट जो आता है थर्ड पर्सन टेस्ट, तो थर्ड पर्सन टेस्ट में क्या होगा कि जैसे अगर आप किसी पर्सन के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो वो खुद उतना नहीं बता पाएगा जितना थर्ड पर्सन उसके बारे में बता सकता है। तो इसमें अगर हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर थर्ड पर्सन टेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो इस टेस्ट के अंदर रिस्पोंडेंट को एक फोटोग्राफ दे दी जाती है थर्ड पर्सन की, मे बी वो फ्रेंड हो सकता है, उसका कलीग हो सकता है, कोई नेबर हो सकता है, कोई स्टार है, कोई प्लेयर है। फिर उसमें जो रिसर्चर है वो फाइंड आउट करेगा कि जो थर्ड पर्सन है मतलब उसके बारे में क्या वो सोचता है, रिस्पोंडेंट के बारे में वो क्या सोचता है। तो थर्ड पर्सन टेस्ट से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती हैं। तो ये जो थे हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के पार्ट थे, जिसमें हमने 5 तरह के टेस्ट की बात की, थीमेटिक एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पेयर पिक्चर टेस्ट, और जो लास्ट टेस्ट था दैट वाज थर्ड पर्सन टेस्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इंटरव्यूज़ है वो है डेप्थ इंटरव्यू। तो डेप्थ इंटरव्यू टेक्निक ये हमने लास्ट वीडियो में भी करा था। तो डेप्थ इंटरव्यू टेक्निक में क्या होता है, इसमें कंज्यूमर के बिहेवियर को हम कुछ अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मली जो रेगुलर टाइप का इंटरव्यू से कुछ अलग है, ये ट्रेंड पर्सन के थ्रू किया जाता है और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है या ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट होता है कि वो फ्रीली बता सकता है बिना किसी हेजिटेशन के। मतलब पहले उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो इनके आंसर दे। तो सब्जेक्ट मैटर जो होता है क्वेश्चन में मतलब कि रेडीमेड क्वेश्चन एयर के बजाय अपने आप वो ऐड होता रहता है। ठीक है, तो इंटरव्यूअर होता है वो रिस्पोंडेंट को एनकरेज करता है कि वो फ्रीली अपनी बात को कहे और उसके एटीट्यूड को एनकरेज करने की कोशिश की जाती है। तो ये डेप्थ इंटरव्यू में आता है। डेप्थ इंटरव्यू को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू और सेकेंड होता है ग्रुप और फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। तो पहला जो इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू है, यहाँ पर जो इंटरव्यू लिया जा रहा है वो एक सिंगल पर्सन का लिया जा रहा है, एक अकेला पर्सन ही होता है, एक अकेला इंटरव्यू होता है। और ये जो इंटरव्यू है वो 1-3 आवर्स के लिए हो सकता है। एक ट्रेंड रिसर्चर इस तरह के इंटरव्यू को लेता है, वो कोई भी कॉपी राइटर हो सकता है, ब्रांड मैन हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, और जो इंडिविजुअल होता है वो अपना इंटरव्यू देता है और उसके जो फीडबैक होते हैं वो ऑथेंटिक, हम कोशिश करते हैं कि उसकी फीडबैक ऑथेंटिक हो, तो उसको मोटिवेट किया जा सकता है कि वो बिना किसी डर के अपना रिस्पॉन्ड हमें दे। सेकेंड जो है वो ग्रुप या फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू में होगा कि हम एक अकेले पर्सन का इंटरव्यू ना लेकर आठ से दस लोगों का इंटरव्यू अगर हम ले रहे होते हैं तो वो हर एक को बोलने का मौका दिया जाता है कि हर एक पर्सन को बोला जाता है कि वो अपनी बात को कहे। अगर वो किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, किसी प्रोडक्ट में कोई चेंजेस वो चाहता है, तो उन सारी चीज़ों को वो डिस्क्लोज करे। तो ये सब डेप्थ इंटरव्यूज़ में आता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का मार्केटिंग रिसर्च का, वो है लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। अगर हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ कमियां भी हैं, तो वो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मार्केट रिसर्च में टाइम बहुत लगता है फाइनल कंक्लूजन तक पहुँचने से पहले, कई बार तो इतना ज़्यादा गैप आ जाता है कि काम करने में बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाता है। ठीक है, तो इन रिसर्च प्रोग्राम को पहले प्रिपेयर करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन लेना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कई बार जो मार्केट रिसर्च होती है वो हमें एक क्विक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा पाती हैं। लैक इन अप्रिशिएटिंग रुपी वैल्यू,
मार्केटिंग रिसर्च के अंदर देखो, अगर हम मार्केट रिसर्च करते हैं उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं तो हमें मिलता है, लेकिन वो फ़ायदा कितना मिला इसको आप मनी टर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि 1,000 रुपये का फ़ायदा मिला हमें, 5,000 का फ़ायदा मिला हमें, 2,00,000 का फ़ायदा मिला, ये पॉसिबल नहीं होता। आप उस चीज़ को फील तो कर सकते हो लेकिन उसका कितना फ़ायदा मिला वो आप एक्यूरेटली आप नहीं बता सकते हो, और वो फीलिंग भी लॉन्ग रन के बाद ही होती है, एकदम से उसका हमें कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता है, तो अप्रिशिएट हम नहीं कर पाते हैं रुपीज़ की वैल्यू में। डिपेंडेंट ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, कि जो मार्केटिंग रिसर्च होगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, अगर वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होगा तो उसके बेस पर जो भी हम डिसीज़न लेंगे वो हमारे सही होंगे। फिर आता है लिमिटेड पर्सोनल, जो मार्केटिंग रिसर्च होता है ये डिपेंड करता है किसके थ्रू वो किया जा रहा है, वो कितना ज़्यादा क्वालिफाइड था। अगर एक पर्सन कम्पिटेंट है, ठीक है, रिसर्च को करने में, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लास्ट आता है अनप्रिडिक्टेबल कंज्यूमर, जो सारी की सारी मार्केटिंग रिसर्च है वो कंज्यूमर के चारों तरफ घूमती है, उसका बिहेवियर, उसके प्रेफरेंसेस, उसके लाइक्स, डिसलाइकिंग्स, मोटिवेशन, ठीक है, ये सब हम करते हैं और इसके बेस पर हम कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन कंज्यूमर की जो हैबिट्स है वो हमेशा चेंज होती रहती है और इस चेंज को हम पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम कंज्यूमर के ट्रेड्स को, उसके एट्रीब्यूट्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे तो कंक्लूजन भी हमारा उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो अनप्रडिक्टेबल कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो मार्केटिंग रिसर्च की बहुत बड़ी लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी मार्केटिंग रिसर्च करना हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम मैंडेटरी मान सकते हैं, चाहे वो अपने लेवल पर करे या वो एक्सटर्नल एजेंसीज की हेल्प ले। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मार्केटिंग रिसर्च। थैंक यू।